यूपी में विधान परिषद सदस्य चुनाव का बिगुल बज चुका है। इसमें बिजनौर में कल वोट पड़ने हैं। पुलिस प्रशासन ने मुकम्मल तैयारियां कर ली है। बिजनौर कलेक्ट्रेट से पोलिंग पार्टियां रवाना होने लगी। बता दें कि सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक बिजनौर में मतदान होना है। 12 केंद्र बनाए गए और अभी आज पार्टियां वहां गंतव्य के लिए रवाना हो रही है और यह सुनिश्चित किया जाए कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के तहत सारी व्यवस्थाएं समय से की गई हैं। और MLC का चुनाव कल यानी 9 अप्रैल को है, प्रातः 8 बजे से अपराह्न 4 बजे तक। जनपद में कुल 12 बूथ और इतने ही मतदान केंद्र अलग अलग जगहों पर ब्लॉक और तहसीलों में है। चमोली में इंटरनेशनल ओपनिंग स्कीइंग चैंपियनशिप लाहुल घाटी हिमाचल प्रदेश से 3 ब्रॉन्ज मेडल जीतकर वापस जोशीमठ लौटी है। उत्तराखंड की स्कीइंग टीम का जोशीमठ पहुंचने पर शानदार स्वागत किया गया। पेनखड़ा युवा संघर्ष समिति ने जोशीमठ के समी डिमरी और उनकी टीम ने सभी पदक विजेता का स्वागत किया। जौनपुर में नवरात्र के पावन पर्व पर सेवा भारती और GCI शिखर समेत तमाम सामाजिक संस्था द्वारा डांडिया और गरबा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उक्त कार्यक्रम में शाहगंज नगर के सैकड़ों महिलाएं बच्चों और पुरुषों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम को देखने के लिए हजारों की संख्या में भीड़ जुटी। जैसा कि आपने देखा आज यहाँ पर डांडिया कार्यक्रम था और 9 दिन का नौतन चल रहा है। हर आदमी माता की स्थापना किया हुआ घरों में अपने पूजा पाठ कर रहा है। एक अच्छा माहौल था और आज यहाँ पर महिला वर्ग पुरुष वर्ग बच्चे उन्होंने बहुत आज के इस डांडिया में अपना उत्साहपूर्वक प्रधारण किया, एंजॉय किया। ये प्रोग्राम हम लोग का बहुत अच्छा था जो कि नवरात्रि का प्रोग्राम चल रहा है और हम लोग 2 दिन का ये डांडिया और जगदाता का प्रोग्राम रखें और हमारे ग्रुप में बहुत सारे लेडी लोग एंजॉय की हैं और बहुत ही अच्छा लगा है हम लोग को और बहुत सक्सेसफुल रहा है जिसे लोग बहुत एंजॉय किए। आगरा में थाना बसौनी क्षेत्र के अंतर्गत गांव हरलालपुर के पास खेत के ऊपर से गुजर रही विद्युत हाइड्रेंशियल लाइन का तार टूटकर खेत में गिर गया जिससे गेहूं के खेत में भीषण आग लग गई। वहीं फसल में लगी आग को देखकर ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। किसानों ने पुलिस कंट्रोल रूम को आग की सूचना दी जहां मौके पर पहुंचे दमकल विभाग की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बड़ा सड़क हादसा हो गया। दरअसल नेपाल से जयपुर जा रही मिनी बस पुलिया से टकरा गई जिससे यह हादसा हो गया। जहां हादसे में एक की मौत हो गई तो वहीं करीब 3 दर्जन लोग हादसे से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। बस्ती के कप्तानगंज थाने के मदनपुर गांव में कलोगी बेटे ने अपनी मां को जमकर पीटा। वहीं बीच उपचार कर रहे भाई का भी चाकू से होंठ काट दिया जिसे गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। बता दें कि 3 भाइयों गोपाल अर्जुन और संजय के बीच जमीन बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा था। इटावा में शेर सिंह राणा के जीवन पर बनाई गई फिल्म रिलीज होने से पहले अराजक तत्व सिनेमाघरों को फूंकने की धमकी देने में जुटे हुए हैं। जहां कथित अराजक तत्वों ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर फिल्म रिलीज होने पर सिनेमाघरों में आग लगाने की धमकी दी। वहीं करणी सेना ने पदाधिकारियों में अराजक तत्वों की पोस्ट को लेकर आक्रोश है। फरुखाबाद में 412 के चालक ने हिंदू महासभा के कार्यकर्ता को चोटी काटने की धमकी दी है तो वहीं पीड़ित कार्यकर्ता ने पुलिस अधीक्षक से कार्रवाई की गुहार। पीड़ित ने कहा है कि वह गांव में एक मृत कुत्ते का अंतिम संस्कार कर रहा था। उसी दौरान 112 डायल के चालक MS खान मौके पर पहुंचे जहां उसने गर्दन पकड़कर चोटी काटने की धमकी दी। साथ ही उसने जमकर अभद्रता भी की। ये पूरा मामला शेर कोतवाली क्षेत्र में ग्राम अमिटी जलदीप का है। फरुखाबाद में जमीनी विवाद को लेकर भाई भाई में खूनी संघर्ष हो गया जब भाई ने अपने भाई पर धारदार हथियार से हमला कर दिया तो वहीं हमले में भाई गंभीर रूप से घायल हो गए। बता दें कि दबंग भाई ने अपने भाई की जमीन पर कब्जा किया जिसका विरोध करने पर दबंग भाई ने लाठी डंडों से जमकर उसकी पिटाई की। ये पूरा मामला थाना जहानगंज क्षेत्र का। गाजियाबाद पुलिस अलग अलग जगह मुठभेड़ करके अपनी छवि सुधारने की कोशिश कर रही है तो वही बदमाश दिन दिहाड़े सुनार की दुकान पर सुनार को गोली मारकर पुलिस को खुली चुनौती दे रहे हैं। बता दें कि पुलिस द्वारा व्यापारियों को भयमुक्त व्यापार का आश्वासन दिया गया है लेकिन गाजियाबाद में व्यापार करना व्यापारियों के लिए सिरदर्द बना हुआ है। बाराबंकी के सत्रिक थाना क्षेत्र में संदिग्ध वस्तु दिखी जिसके बाद वहां पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात की गई। जानकारी मिलते ही घड़ी लगी हुई गोल आकार की वस्तु है। सूत्र बताते हैं कि टाइम बम होने की संभावना है। आसपास के लोगों में इसकी सूचना के बाद हड़कंप है। आगरा के थाना जगदीशपुरा क्षेत्र के लोहा मंडी में बोदल मार्ग पर पानी की समस्याओं को लेकर क्षेत्रवासियों की तरफ से आए दिन जाम हुआ रहता है। बता दें कि कई दिनों से इस क्षेत्र में पानी नहीं आ रहा है। वहीं पानी की वजह से दोनों ओर वाहनों की कतार लगी हुई है।
आगरा में स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री धर्मी प्रजापति ने अहम पहल की। इस पहल के जरिए बंदियों के विचार और व्यवहार को सुधारने के लिए साधु संतों के प्रवचन कराए जाएंगे। मंगलौर में पेट्रोल डीजल और गैस के दामों में बढ़ोतरी के बाद गरीब और आम जनता को राहत नहीं मिल रही है। सरकार ने 6 महीने तक फ्री राशन दिए जाने का आदेश दिया है। कोविड 19 में प्रधानमंत्री कल्याण योजना द्वारा गरीबों को फ्री राशन वितरित किए जाने की योजना चलाई गई थी। आया यहाँ और उसमें जो सरकार ने फ्री में राशन जो हमें दिया, यह एक बहुत ही बड़ी बात है। उस टाइम पर हम घर में बैठे थे, कोई काम नहीं था, बेरोजगार थे, तो कम से कम हमें खाने के लिए अनाज तो मिल गया। कोरोना के टाइम पे रोजगार ख़त्म हो गए थे, सरकार ने उस टाइम पे भी फ्री राशन दिया, जिसके लिए उनका सरकार का हम धन्यवाद करते हैं। बोल। अब इलेक्शन हुए, इलेक्शन के टाइम पे महंगाई बढ़ गई, हर चीज़ पे पैसे बढ़ गए, डीजल पे, पेट्रोल पे, सिलेंडर पे, सब पे पैसे बढ़ गए, गरीब आदमी क्या कर सकता। लॉकडाउन में कोविड 19 के चलते प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को शुरू किया गया था, जिसमें आम आदमी को काफ़ी लाभ हुआ। हालांकि इसकी जो डेट थी वो मार्च तक इसकी समाप्ति की घोषणा थी, लेकिन इसको पुनः इसको मार्च अप्रैल से बढ़ाकर इसको आगे 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। मुजफ्फरनगर में लगभग 15 दिन पहले पंजाब नेशनल बैंक में 1 लाख रुपए जमा कराने आए व्यक्ति के बैंक से पैसा चोरी हो गया था, जिसका मुकदमा पुलिस अज्ञात में दर्ज करके चोरों की तलाश में जुटी थी। आज पुलिस ने घटना खुलासा करते हुए 4 महिलाओं को गिरफ्तार किया। विगत कुछ दिनों से देखने में आ रहा था कि जनपद मुजफ्फरनगर में बैंक के अंदर कुछ महिलाएं जाती थी, कुछ उसमें बुरका पहने रहती थी, कुछ बिना बुरके के रहती थी, और वो अपने टारगेट को चुनती थी। जो लोग थोड़े से भी लापरवाह होते थे बैंक में पैसा जमा कराने जो आए हुए हैं या बैंक से पैसा निकालने, उस टारगेट को चिन्हित करती थी और बहुत ही सफाई से उसके पैसे निकाल लेती थी। यहाँ बुढ़ाना में भी एक घटना हुई थी जिसमें 1,500,000 रुपये निकाले गए थे। सरोवर नगरी नैनीताल में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य आंदोलनकारियों को सरकारी सेवाओं में 10% क्षैतिज आरक्षण दिए जाने के मामले को सुनवाई की, जिसमें लगभग 6 दर्जन से अधिक नौकरी कर रहे आंदोलनकारियों पर नौकरी का खतरा मंडराने वाला है।